हमारे भैया संवाददाता बबलू के अनुसार भैया के चकवत गांव में विगत कुछ एक महीने पहले ही सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन सड़क का निर्माण उच्च क्वालिटी के नहीं होने के चलते सड़क पहले ही बरसात में ध्वस्त हो गया और खराब हो गया, जिसके चलते ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और इस संदर्भ में कई बार जिला प्रशासन को भी अवगत ग्रामीणों ने करवाया था, लेकिन अभी तक इस सड़क के मरम्मति पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके चलते चकवत ग्रामीणों को आने जाने में काफी कठिनाइयों की सामना करना पड़ रहा है। बिहिया प्रखंड के चकवत फुलई रोड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। भले ही सरकार सड़क निर्माण की बात किया करता हो कि हर गांव में सड़क निर्माण हो, और सड़क निर्माण हो भी रहा है, पर उसकी गुणवत्ता पर प्रश्न खड़ा होता है। चकवत फुलई रोड 1,02,21,000 रुपए की लागत से बनी रोड मात्र 20 दिनों में ही क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें सड़क की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीण काफी ही आक्रोश है। आखिर 20 दिनों में 1,02,21,000 से बना रोड कैसे क्षतिग्रस्त हो गया, इस बात को सोचकर ग्रामीण काफी ही चिंतित भी हैं। हालांकि ग्रामीणों ने इस संदर्भ में सड़क गुणवत्ता को लेकर जिला प्रशासन को कई बार अवगत भी कराया था, लेकिन जिला प्रशासन की नींद शायद इस फुलई गांव सड़क के निर्माण को लेकर नहीं टूटी थी। अंततोगत्वा बिहिया के चकवत फुलई रोड क्षतिग्रस्त हो ही गया, जिसके चलते आम ग्रामीणों को आने जाने में काफी कठिनाइयों की सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ सड़क क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं दूसरी तरफ चकवत गांव में बाढ़ का पानी भी प्रवेश कर गया, जिसके चलते ग्रामीण कमर भर पानी में प्रवेश कर आने जाने पर विवश हैं। सुनिए क्या कहते हैं ग्रामीण। महीना पहले ही रोड बना, अभी एक महीना भी नहीं हुआ, टूट फूट गया है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या ये रोड सही बना है? नहीं, सही नहीं, ये गलत हुआ है। कितना किलोमीटर का रोड था ये? ये रोड 1.5 किलोमीटर पर ही जाएगा। लागत कितने की है? लागत तो 1 करोड़ से कुछ ऊपर है, पूरा मुझे जानकारी नहीं है लागत। कहना लोगों का कहना है 10 करोड़ का रोड लगा हुआ है, ये सुने जैसे रोड तो बना है 1 करोड़ का भी नहीं लग रहा है। नहीं, ये जो आप जहाँ जिस जगह पे खड़े हैं, क्या ये भी रोड उसी में इंक्लूड था, बनाना था? हाँ, नहीं उस ये तो इसी में बनाना था, मगर इसको बनाया नहीं, मना कर दिया कि नहीं ये हमारे ये में नहीं है। कब का बना हुआ है ये रोड? ये रोड बहुत पहले का बना हुआ है। परिचय बता दिए। मेरा नाम चंद्रमा राम है। कितना दिन पहले ये रोड बना था, कितने की लागत की रोड थी ये? 1 महीना हुआ 1.5 महीना हुआ होगा लगभग, करीब करीब बोर्ड के अनुसार 10 करोड़ रुपया से अधिक है, लेकिन देखने से नहीं लगता है 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लगा हुआ है, बाकी सब लोग लूट लिया। कितना किलोमीटर के रोड है ये? 1.5 किलोमीटर। कितना बना है ये? हाँ, बना तो बीच में, अभी जहाँ हम खड़े हैं पूर्व में PCC हुआ था विधायक के अनुशंसा पर, और इसको भी उसमें जोड़ दिया गया है, इसका भी MB बुक कराने के लिए दिया गया, जबकि पहले से ढलाई हुआ। कितना एक किलोमीटर हो गई है ये? होगा कम से कम 600 फीट। उसी में इसको भी इंक्लूड कर दिया गया। क्या स्थानीय लोग इसका विरोध किए कि नहीं किए, ये रोड जो टूट फट गया है? नहीं, अब समय में विरोध हुआ है, हल्ला गुली जो भी इससे आने जाने के क्रम में लाभान्वित थे वो भी विरोध किए। कितना इंची का ढलाई हुआ है जो रोड बना है, कितना इंची का रोड? माइनर, एकदम आधा इंच भी कहिए, कालीकरण नहीं हुआ। कितना प्रकलन कितना का था बनने का रोड का? 10 करोड़ रुपया तो टोटल लिखा है, 10 करोड़ कुछ नहीं। कितना इंची का बनाना था, 4 इंची 5 इंची? हाँ, ज्यादा है, वहाँ लिखा है बोर्ड पर, इतना तो ध्यान नहीं है, लेकिन बोर्ड पर लिखा हुआ है, लगा है जहाँ शुरू हुआ है। राकेश तिवारी, भाजपा अध्यक्ष। जो रोड बना है कैसा बना है, क्या प्रकलन है इसका, कितने की राशि का? प्रकलन तो सर हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जो काम करा रहा था उस व्यक्ति से हम बोले तो बोला कि रोड अच्छी तरह से बनेगी, आप लोग निश्चिंत रहिए। कैसा रोड बना है अभी, आप तो देख रहे हैं टूट फूट गया, 1 महीना भी नहीं हुआ। अभी 1 महीना का आपका मुश्किल से इसको पाली पॉलिश किए हुए मोटा मोटी 20 दिन हो रहा होगा, रंग पेंट किए हुए।
भस भी गया, कहीं कहीं टूट भी गया है, कहीं कहीं का पूरा टूट बीच गया। से टूट जो गया। आरा में मिट्टी भराई हुई थी पूर्णतः वो भस गई है। और मिट्टी भरा कितने की लागत की रोड है ये सर? हमको जानकारी बोर्ड पे 10 करोड़ कुछ का दर्शाया गया है, 10 करोड़ के हमको नहीं मालूम। और लोगों का कहना है, यहाँ जो लोग हैं कि ठेकेदार द्वारा बोला गया है कि लमसम 1 से 1.5 करोड़ की लागत की ये रोड बन रही है, क्या ये बात सत्य है? ये तो सर हम ये सुनने में आया है कि 1 करोड़ की टेंडर है। हाँ तो बोर्ड पे 10 करोड़ क्यों दर्शाया? 1 लाख का बोला था। किस तरह का रोड बना है आप? क्या रोड से संतुष्ट हैं आप? नहीं संतुष्ट नहीं है। क्या इसकी जानकारी कोई प्रशासनिक को आपने दिया कि नहीं दिया? मैं यहाँ है, मैंने नजदीकी जो यहाँ के विधायक उनको हम फोन करके बताए थे। क्या विधायक से क्या आश्वासन? बोले कि जय जाएंगे फिर से बनेगा। आए जय जय कल शायद आए थे, मिले आप लोगों से? हम नहीं मिले, किसी से नहीं मिलेगा। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, किसी से नहीं। यहाँ किसी से मिले हैं नहीं मिले उसकी कोई बताइए अपना। विनोद कुमार, कब होगा यह चकवत फुलई रोड का निर्माण और कब बिहार सरकार सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बिहिया की चकवत फुलई गांव के सड़क निर्माण के जैसे न जाने कितने सड़क निर्माण इस प्रकार के हैं जो बनते ही अपनी बदहाली पर आंसू बहाना प्रारंभ।